अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर के बारे में। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी ऐसी मशीनरी से रिलेटेड वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की। मॉडल इसके अंदर दो किस्म के हैं, जैसे कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। पहला मॉडल इसका HP 710 EB, दूसरा मॉडल इसका HP 650 EB। दोस्तों, हुंडई कंपनी की ये बिलोर है। जैसा कि आपको पता है, ये कोरियन ब्रांड है। इसकी पहले भी एक्सेसरीज काफ़ी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि ब्रश कटर हो गया हर किस्म का चारा काटने के लिए, मिनी रूटा वेटर हो गया। अगर इसके एक बार फिर पहले मॉडल की बात करें तो पहला मॉडल इसका हैवी है, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के अटैचमेंट हैं। अगर इसको चलाने की बात करें तो इसको चलाने का तरीका आसान है। 220 वोल्टेज पे ये चलता है। ये इसका 2-पिंच शू है। इसको आपने अपने घर में या शॉप में किसी भी सॉकेट पे लगा के, यहाँ पे इसका बटन है, बटन को प्रेस करेंगे तो ये चल पड़ेगी। यहाँ पे इसका रेगुलेटर है हवा को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। अभी इसकी हवा कम है, इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे इसके साथ रेगुलेटर है, वैसे ही इसके साथ भी रेगुलेटर है। इसकी भी हवा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 2-in-1 मशीन है, ब्लोअर भी है और वैक्यूम क्लीनर भी है। वो कैसे है, उसके लिए आपको ले चलते हैं एक मरतबा इसकी वर्किंग वीडियो की तरफ। जब आपने ब्लोरिंग करनी है तो ये वाले अटैचमेंट को यूज़ करना है। और एक चीज़ का ख्याल है, जब आप ब्लोरिंग कर रहे हैं तो इसको इस एंगल पे होना चाहिए, जब आप वैक्यूम क्लीनर कर रहे हैं तो इसको इस एंगल पे होना चाहिए। अब हम ब्लोरिंग कर रहे हैं, इस टाइम इसको इस एंगल पे कर देते हैं। जब आपने वैक्यूम क्लीनर करना है तो ये वाले अटैचमेंट को साथ में अटैच करना है और साथ में डस्टबिन बैग लगाना है, यहाँ पे नीचे लग जाएगा। और एक चीज़ का ख्याल है, इसको आपने लाजमी इस एंगल पे करना है। ये इसका दूसरा मॉडल है, ये भी 2-in-1 है। जब आपने इस ब्लोअर के साथ वैक्यूम क्लीनर करना है तो इस वाली अटैचमेंट को यहां पे लगाना है और डस्टबिन बैग को यहां पे अटैच करना है। और ये सिर्फ मट्टी खींचते हैं, बड़ा कचरा वगैरह नहीं खींचता। वर्किंग वीडियो देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसको परचेज करने का तरीका। आप इसको परचेज कैसे करेंगे, अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फोन करके हमारे डिपार्टमेंट से बात करेंगे, अपना ऑर्डर बुक करवाएंगे, वो भी घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, आप पेमेंट एडवांस करेंगे, हम आपकी सिटी तक आने वाली वैगन पे या ट्रक गूस के जरिए आपको रवाना कर देंगे। दूसरी ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी की होती है, वो TCS के जरिए आएगी, TCS आपको इसे चेक नहीं करवा सकता। जो तीसरी ऑप्शन, वो सबसे बड़ी ऑप्शन, आपको कहीं से नहीं मिलेगी, सिर्फ JMS ही आपको दे सकते हैं। JMS का अपना नुमाइंदा आएगा आपके पास, आपको मशीन चेक करवाएगा, पेमेंट आपने JMS के नुमाइंदे को कर देनी है, लेकिन JMS के नुमाइंदे की इजाफी चार्जेस भी होते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी ऐसी मशीनरी से रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।